प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई? गुड मॉर्निंग। तो भाई सवेरे आज मैं जा रही हूँ खेत में। तो वैसे मैं खेत में आ ही गई हूँ, मैंने सब रोड पार करके मैं कच्ची सड़क पे आ गई हूँ। तो मैं खेत में क्यों जा रही हूँ वो भी बताती हूँ आपको। पहले चलते रहिए। आजकल ना मेरी खेत में जाने की शहर बहुत हो रही है। आज सवेरे मम्मी जब खेत में गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने फ़ोन करा था कि जल्दी से खेत में आ जाओ कुछ सामान लेके। तो मैं लेकर जा रही हूँ। अब मैंने साथ में ले रखा कुछ सामान, मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या ले रखा। ये बीज तोड़न खेत में, तो वहीं पे ही जा रही हूँ मैं। झाड़ू ले रखी मैंने और कुछ लत्ते ले रखे हैं, दंती कपड़ा ले रखा मैंने। तो उनका कुछ काम है खेत में, वो भी आपको पता ही चल जाएगा कि क्या काम है। तो अभी हम जा रहे हैं, बस थोड़ी सी दूर रह गया है खेत, पूरी डहार में है, इतनी दूर तो खेत है हमारा। तो साइकिल से उतर के मैंने यहीं से व्लॉग शुरू किया अभी। तो यहीं से ही दिख रही है मेरी मम्मी, सफ़ेद कुछ सफ़ेद सा चमक रहा वहाँ पे, है ना, बैल बंध रहा तो वही चमक रहा वहाँ पे, बुग्गी है। तो अब दिखाऊँ आपको कि मैंने क्या क्या ले रखा। मेरी साइकिल के पीछे बंध रही है झाड़ू और पल्ली हैं दो, और एक दंती लगता। तो इनसे ना आज खेत में बहुत सारा काम है। तो चलते हैं अभी खेत में। सब लोग ना काम कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो भाई सब लोग ना खेत में ही रहते हैं अपना। ये यहाँ पे जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये ईंक बो रहे हैं और इसकी पले हो गई है, इसमें भी ईंक ही बोएगा। अपना सबके गेहूँ कट गए हैं, देखो सारे खेत ना खाली हो गए। लता मैं क्यों लेके आई हूँ, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इनसे घास हो जाएगा, साथ ही में शाम को जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो खेत में ही आ रहे हैं सुबह ही, तो जल्दी कट जाएंगे, शाम को टाल हो जाएगी फिर आने की। तो भाई मैं आ गई हूँ, मेरा खेत ना थोड़ी सी दूरी रह गया है, एक बोएगा सांझ को, तो इसलिए बीज टूटन लग रहा। मम्मी तोड़ रही है बीज और बब्बा है साथ में। चढ़ के चली जाऊँ, और देखो मेरे बाल हवा में किस तरीके से उड़ रहे हैं, पूरे हवा में उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर, क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही है ना, कुछ दिन हो गए हैं हवा बहुत चल रही है, बहुत लू चल रही है गर्म गर्म, तो इस हवा में आदमी भी सूख रहे हैं, खड़े खड़े काले काले बाल लग रहे हैं आदमी, सब जान लग रहे खेत में। देखो हवा में ना मेरे पास साइकिल नहीं चलती, आगे को मेरी साइकिल जाती नहीं है हवा में, यह बहुत ही मंदी चलती है। मैं कितनी तेज चलाने की कोशिश कर लूँ पर यह चलती नहीं है, पता नहीं क्या, क्योंकि हवा है ना, हवा रोकती है इसको आगे जाने से। ये मना कर रही है मुझे कि तू आगे मत जा। मैं फिर इसी मारो, मैं पैदल चल रही हूँ। तो बस वैसे मैं चढ़कर ही चलाऊँगी, क्यों, बस अब मैं खेत में ही आ गई हूँ, तो मैं चढ़ कर नहीं चलाती, बस आ गया। यहाँ पर ओड़ा है लान कट्ठा, और वहाँ पर भरा जा रहा है भूस की गठिया, भूस भी निकल गया। और हम भी कुछ इसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको तो पता ही है। देखिए ये हो रहा है लान कट्ठा, देखो सब लगे हुए हैं लान कट्ठा करने में, और यहाँ पर भरा जा रहा है भूस, देखो साफ नहीं चमकेगा क्योंकि इधर से ना लाइट पड़ रही है सूरज की। बस ये खेत दिख रहा है यहाँ पर, यही निकलेगा, और तो बाकी जो है सब हो गए हैं खाली हो गए सब खेत। मैं ना उस खेत में खड़ी हूँ जो उनसे हमने बोया था वो खेत, उस दिन आ गया खेत में। अब देखो अभी कितना निकल गया, लंबो ही हो गया, ये देख रहे हो, और ये परछाई ना मेरी ही है। ना मेरी साइकिल नीचे गिर गई, खड़ी नहीं हुई, मैंने खड़ी करने की कोशिश करी थी पर वो खड़ी नहीं हुई। तो मैंने सारा सामान अपने हाथ में ही ले लिया, देखो मैं बहुत बिजी हूँ। टूटा जा रहा है बीज इस इंक में, तो ये बीज के लिए छोटा गया था उस दिन। यहाँ पर देखो अंदर लगे हुए हैं सब छल्ला, और मेरी मम्मी ना दिख रही कहाँ होगी। ये टूटा जा रहा बीज, ये रही मेरी मम्मी, और इतनी बड़ी बड़ी पुली बांध दी। देखिए बब्बा ने तो अपना मुंह छुपो लिया पत्ती तय। बब्बा मुंह क्यों छुपो रहा था? मैं तो नीचे को ले लूंगा। मेरे बब्बा को सारा मारी फ्रेंड। बब्बा मुंह चिर जावा थारा, मुंह चिर जावा रहन दो। तुम बच के
ये देखो ये सब तोड़ रहे हैं, ये लग रहे राम राम जी। यूट्यूब पे भेजू मी तो यो देखो यहाँ पे है ना भूसू था, जो कि भूसू था लिया। और ये नीचे देख रहे हो आप, ये भूसकी रहनी है, कुछ भूसा है इसमें और कुछ रहनी है। ये सकेना मुझे सारा देखो, मैं मानो पूरा आधा क्यारा है। अब सारी दोपहर में इसी में लग रहा हूँ भूसा गिरने में। देखो बांधली भूसकी सकेर गए, वे बंदरी माँ एक बारी और एक बारी दो गठड़ी भूसकी हो गई हमारी, गुलाबों का चारा हो गया ये। देखो हमने सकेर सकेर का भूसकू दो गठड़ी भूस कर लिया हमने, और अभी तो रह रहा, अभी तो छोटी सी गठिया और बंधेगी। ये देखो ये इकट्ठा करने लग गया, ये है ना भूसकी इसलिए हो रहा क्योंकि हवा चल रही है, इसकी वजह से ना इकट्ठा भी नहीं हो पा रहा है। और जितना हम इकट्ठा करें सारा का सारा उड़ जावे, इधर ही चला जावे। ये देखो हम फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। देखो गठड़ी भी दी यार करती उसमें, वो उसमें बुग्गी में ये जाएंगे अब बुग्गी पे। बब्बा भी यार आगे बह जाइए, देखिए मेरे पालछे की तरह उड़ रहे केकड़े की तरह। खैर ये तो उड़ते रहेंगे, मम्मी अब तो पूरा गुजारी जाऊंगी, मेरी साइकिल यही खड़ी ना, तो इसलिए मुझे यही पे हमको भी जाना पड़ेगा। जिस रास्ते पर मैं आई थी उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। क्या करी, चल कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं। अरे आराम से चली जा, हमारी साइकिल भी वहां पे वेट कर रही होगी हमारा, हवा ने भी पागल कर रखे। पूरा भूस ना सिर में भी बढ़ गया, चुभ रहा भूस भी, क्योंकि हवा में ना उड़ उड़ के ऊपर ही चिपक रहा था भूस। क्या बात होगी, कहाँ को जाएगी? अच्छा अंकु लुआ के नू, हाँ भूस तो बहुत हो रहा, पर पड़े रखी थी इस खेत में, सारा खेत अल्लाह हो रहा था भूस।